और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जबलपुर से बड़ी खबर है, एम्पायर टॉकीज स्थित आर्मी डिपो में चोरी हुई है। जबलपुर में एम्पायर टॉकीज स्थित आर्मी डिपो में चोरी की घटना हुई है। 8 चोरों ने 4 लाख कीमत की खाद्य सामग्री पार कर दी है। 8 चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, 4 लाख की खाद्य सामग्री को पार कर दिया और 7 चोरों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से चोरी का सामान और वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, एम्पायर टॉकीज स्थित आर्मी डिपो में चोरी की वारदात हुई और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 8 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, 4 लाख कीमत की खाद्य सामग्री पार कर दी थी। वहीं 7 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और उनसे जो लूटी गई सामग्री है, चोरी की गई सामग्री है और वाहन उसे बरामद किया है। आरोपियों से चोरी का सामान और वाहन पुलिस ने बरामद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं NH24/7 पर एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां एम्पायर टॉकीज स्थित आर्मी डिपो में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था और पुलिस ने इसका खुलासा भी कर दिया। 8 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिनमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो सामान बरामद किया गया है वो 4 लाख का बताया जा रहा है। आर्मी डिपो में ये 4 लाख की खाद्य सामग्री रखी गई थी, जिसे चोरों ने पार कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करते हुए इस खाद्य सामग्री को बरामद भी कर दिया है। हमारे सहयोगी फतेह सिंह जुड़ चुके हैं। फतेह, सबसे पहले बताएं कब की ये पूरी घटना थी और किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जी बिल्कुल, हमें तो आपको बता दें, ये जबलपुर के थाना कैंट का मामला है, जहां पर 8 चोरों ने 23 सितंबर को इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और जो सीएसडी कैंटीन है एम्पायर टॉकीज स्थित, वहां पर ये सेना का एक खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाला डिपो है, जहां पर इन 8 चोरों ने पूरी सेंधमारी की थी और इसके चलते यहां से 7 लाख रुपए का जो सामान है वो यहां से चुरा लिया था। इसको लेकर जो कैंट थाना पुलिस है, काफी इन्होंने कड़ी मशक्कत की और इसके इन चोरों तक पहुंची और इनके पास से 4 लाख कीमत की जो खाद्य सामग्री होती है वो जब्त कर ली है। यहाँ पर खास बात आपको बता दें कि जो चोर हैं लगातार सेना, भारतीय सेना से जुड़े सामानों और उनके स्थानों पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना यहाँ सामने अभी आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया फतेह आपका इस तमाम जानकारी के लिए।